प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम संख्या दो में पाँच का भाग कैसे दें, यानी दो भाग पाँच या दो बटे पाँच। देखिए ऐसे समझिए, भाग के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का भाग देना है। किसका भाग देना है? पाँच का। किस में देना है? इससे पहले लिखी हुई संख्या में, यानी दो में। यहाँ देख लो, किसका भाग देना है? पाँच का दो में। ऊपर का ऊपर में, नीचे की संख्या। ओके, अब देखिए हम पाँच का भाग कब दे पाएंगे? जब दी गई संख्या क्या हो? पाँच से बड़ी या पाँच के बराबर। तो यहाँ पर दो आपका पाँच से छोटा है, तो हम भाग नहीं दे सकते हैं। क्या करें बच्चों, बताइए क्या करें? आप बताओ। हम इसको बड़ा बनाएंगे कैसे? छोटा है तो भाग कितनी बार गया? जीरो बार। कितना आ गया? जीरो। माइनस किया, दो आ गया। एक तरीका यह है, या ऐसे डायरेक्ट पॉइंट लगाओ। पॉइंट को कैसे लिखते हैं? जीरो पॉइंट। जैसे हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो इसके साथ एक जीरो लिख सकते हैं। कितना बन गया? बीस। ये सिंपल तरीका, देखिए रिजल्ट वही आएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा और कंफ्यूज होने में मतलब नहीं है, ठीक है? बच्चों को स्कूल में ऐसे ही सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? कि पॉइंट लगाओ और इसके साथ जीरो लिख दो। अब ये कितना बन गया? बीस। हाँ, बीस में कहीं है आपका संख्या छोटा, तो फिर आपका भाग जीरो आ जाएगा, क्योंकि उस समय आपका जीरो कहाँ लगेगा? डिजिट के बीच में लगेगा, उसका वैल्यू अलग होता है, ठीक है? चलिए, कितना बन गया? बीस। अब हम पाँच का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि हमें बीस से बड़ा ना मिले? एक पंजो पंजो, बे पंजा दा, तीन दो पंजा पंद्रह, चारों पंजा बीस। चार बार पहाड़ा बोला, कितना आ गया? बीस। फिर हम इसको माइनस करते हैं, बीस माइनस बीस जीरो आ गया। बच्चों ये क्या बन गया? भागफल। और ये जीरो क्या है? शेषफल है। दो बट्टे पाँच बराबर क्या लिखेंगे हम? अपना भागफल कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है।